गाइज ये वीडियो इज अ रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम शाश्वत चंडेल उसने मुझे आई डोट हाउ मेनी टाइम्स कमेंटेड दैट प्लीज गिव मी अ वीडियो रिव्यू वीडियो ऑफ दिस दिसंपू शाश्वत पीपल हु वॉन्टेड टू बाई दिस प्रोडक्ट और प्लानिंग टू बाई दिस प्रोडक्ट वेलकम टू माई चैनल लीव आप सबका स्वागत है होप आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं सो so, गाइज जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा आई विल भी टोकिंग अबाउट टूडे हबीब्स कॉस्मेटिक्स का शैम्पू विथ आने का बुटैनिकल्स फॉर नॉर्मल है ये प्रोडक्ट कैसा है सबसे पहले आपको पता चल गया होगा जब फोटो मैंने दिया था हमनेल था में उसमें मैंने ऐसे किया था तो इसका मतलब भी यही है कि ये प्रोडक्ट ऐसे ही है ये प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं है गाइज़ आप uh, मुझे पता नहीं बहुत लोग हेट कमेंट्स भी देंगे बिकॉज बहुत लोग जावेद हबीब के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और उनको लगता है कि जावेद हबीब ने अगर कोई प्रोडक्ट रिकमेंड किया है या यूज़ किया है तो वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा होने वाला है चाहे जो मर्ज़ी हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग दैट ब्रांड्स बहुत टाइम क्या होता है ना पर्सनैलिटी के वजह से बहुत सारे ब्रांड्स चल जाते हैं मार्केट में लेकिन उस प्रोडक्ट में इतना दम नहीं होता है सो so, ऐसा ही ये भी एक प्रोडक्ट है हबीब्स कॉस्मेटिक्स का जो ये प्रोडक्ट है दिस कंपनी इज़ रन बाय जावेद हबीब अलोंग विद हिज ब्रदर्स एंड दिस ब्रांड हैज़ लॉट ऑफ स्किन केयर एंड हेयर केयर प्रोडक्ट्स सो आई हैव नॉट ट्राइड ऑल ऑफ देम बट येस दिस शैम्पू पर्टिकुलरली दिस शैम्पू जो ये क्लेम करता है ये इतना नहीं काम करता है सबसे पहला रीज़न क्यों मैं ये बुराई कर रहा हूँ इस ब्रांड का नंबर वन रीज़न इज दैट दैट इट हैज़ एस सोडियम लोरियल सल्फेट विच इज़ वेरी बैड फॉर योर हेयर्स फॉर योर स्कैल लेटर ऑन मतलब अभी आपको कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं दिखेगा बट लेटर ऑन यू विल सी दैट आपका जो बाल है वो झड़ने लग गए हैं क्यों वही एस एल एस की वजह से जो आप दो तीन साल पहले यूज़ करते हैं सो प्लीज़ डोंट यूज़ दिस शैम्पू बिकॉज इट हैज़ सोडियम लोरियल सल्फेट एंड ऑल्सो बिकॉज की मैं बोल रहा हूँ <laughs> कि नो you know, मैं कभी भी आपको केमिकल वाला शैम्पू नहीं रिकमेंड करता हूँ या कोई भी स्किन के प्रोडक्ट्स में मैं केमिकल नहीं रिकमेंड करता हूँ आपको एंड दिस इज़ नॉट ओनली की केमिकल है बट जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया मैंने इसको सेवन डेज़ यूज़ किया है और एवरी डे यूज़ किया है जस्ट बिकॉज जावेद हबीब के यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा कि इसको एवरी डे भी यूज़ कर सकते हैं सो आई हैव यूज्ड एवरी डे एंड जितने दिन भी मैंने यूज़ किया है एवरी डे द सेम रिजल्ट कि मेरे बाल रफ हो रहे गए ड्राई हो गए बहुत ज़्यादा रफ़ हो गया और ड्राई हो गया यू नो बेसिक वजह होता है एक शैम्पू यूज़ करने का कि कम से कम शैम्पू कुछ भी ना करे कम से कम मेरे बालों को सॉफ्ट तो करे बट इतना भी ये नहीं करता है सो विच मीन्स दैट दिस शैम्पू लेटर ऑन धीरे 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 और खराब करेगा आपके बालों को सो so, मेरा एक्सपीरियंस विद दिस शैम्पू इज वेरी बैड अगर थोड़े गुड पॉइंट्स के बारे में बात करें तो यह शैंपू बहुत ज्यादा एफॉर्डेबल है बहुत ज्यादा एफॉर्डेबल है 200 हंड्रेड एम एल का यह बॉटल आपको सिर्फ और सिर्फ वन फिफ्टी रुपीज में मिल जाएगा तो यू कैन सी वन फिफ्टी और आई थिंक अगर आप हफ्ते में दो बार शैम्पू करते हैं तो यह बॉटल आपको दो महीने चल जाएगा तो वन फिफ्टी में दो महीना तो इज लाइक मेरे तो अब एक्सपेक्टेशन भी नहीं होता है कि इतने कम दाम में अच्छी चीजें होंगी इनके इसके अंदर तो यह शैम्पू नो अगर आपको यूज करना है तो आपको आप अगर 20 टू 25 एज ग्रुप में पढ़ते हैं या 15 टू 25 एज ग्रुप में पढ़ते हैं तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक उस टाइम आपके पैसे नहीं होते हैं बिकॉज़ यू आर स्टिल स्टार्टिंग सो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सेकेंड कि आपका स्कैल्प आपका हेयर ऑलरेडी बहुत अच्छा कंडीशन में होता है तो अगर आप ये शैम्पू यूज करते भी हैं तो इससे केमिकल इन्ग्रीडियंट्स आपके बालों को उतना नुकसान नहीं पहुँचाएगा जितना आपके एज मतलब अगर आप 25 से ज्यादा हैं तब आपको जितना नुकसान पहुंचाएगा प्लस इसके अंदर आनिका है विच इज वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ तो आनिका और वीट जम ऑयल जो इसमें है वो बहुत नेचुरल चीजें हैं बट स्टिल वो बहुत कम क्वांटिटी में है और सिर्फ लिख देने से नहीं हो जाता है कि इतना थोड़ा सा आपने पूरा केमिकल डाल दिया और थोड़ा सा आपने उसमें आन्निका और बीट ऑयल डाल दिया ताकि लोगों को लगे कि यार ये तो नेचुरल प्रोडक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि 5 परसेंट अगर नेचुरल चीजें अगर कोई कंपनी क्लेम करता है तो बहुत बड़े करके हाईलाइट कर देते हैं शैम्पू विथ आनिका ऐसा लगता है कि इसमें कोई केमिकल है ही नहीं इसमें सिर्फ आन्निका ही अन्ने भरा हुआ है बट ऐसा कुछ नहीं है दिस शैम्पू ड गो विथ मी अगर आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा इसका कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसा है देखिए बहुत ही क्रीमी कंसिस्टेंसी है बहुत ज़्यादा क्रीमी कंसिस्टेंसी है हाँ और इसका फोम भी बहुत ज़्यादा होगा साफ़ करता है ये बालों को ऐसा नहीं है ये बालों को साफ़ नहीं करेगा लेकिन ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ भी कर देगा और आने वाले दिनों में एसिलेस की वजह से आपके बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होंगी डैंड्रफ भी बढ़ जाएगा और हेयर लॉस भी होगा सो so, अफोर्डेबल तो है लेकिन ये प्रोडक्ट यू नो नॉट वर्थ एनफ सो गाइज आई होप आपको अगर ये प्रोडक्ट खरीदना था तो एक आइडिया बन गया होगा कि ये प्रोडक्ट को लेना चाहिए या नहीं लेन लेना चाहिए और अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो प्लीज डू कमेंट अगर आपको नुकसान भी हुआ है तो प्लीज डू कमेंट आई रियली वॉन्ट टू नो कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस ब्रांड को लेके और अगर आपको लगता है कि कुछ और ब्रांड्स मुझे ट्राई करने चाहिए हबीब्स कॉस्मेटिक्स के वो भी मुझे बताइए कि अगर कोई ब्रांड आपको अच्छा लगा है तो भी मुझे बताइए सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज डू कमेंट एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू हैव लाइक टू डिस वीडियो तो प्लीज लाइक दैट बटन आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल योर रिस्पांसेस थैंक यू सो मच फॉर